नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेरा, आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ आर्थ व्यापारियों ने शुरू की हड़ताल, 4 दिन तक कारोबार बंद रखेंगे आर्थ व्यापारी। शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग, नागरिकों ने कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। चक 9 LLW में युवती की हत्या कर शव हत्या पर लटकाने का आरोप, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। विवाहिता की कथित रूप से दहेज हत्या करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, रामपुरा मटोलिया के ग्रामीणों ने किया SP कार्यालय का घेराव। निजी शिक्षण संस्था प्रबंधकों पर आर्थिक शोषण करने का आरोप, शिक्षकों प्रशिक्षणार्थियों ने कलेक्टर को सौंपा CM के नाम ज्ञापन। भीम आर्मी सदस्यों ने की लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने की मांग, कलेक्टर के मार्फत CM को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से कृषि जिंस बिक्री, स्टॉक सीमा में भंडारण को लेकर जारी 3 अध्यादेशों के विरोध में व्यापारियों की मंगलवार से 4 दिन की हड़ताल शुरू हो गई। केंद्र सरकार की ओर से कृषि जिंस बिक्री, स्टॉक सीमा में भंडारण को लेकर जारी 3 अध्यादेशों के विरोध में व्यापारियों की मंगलवार से 4 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई। इसके चलते 28 अगस्त तक अनाज मंडियां बंद रहेंगी। जंक्शन में टाउन की अनाज मंडियां भी मंगलवार को बंद रही। व्यापारियों ने मंडी परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। व्यापारियों ने अपना व्यापार पूर्णतः बंद रखकर तथा प्रदर्शन कर इन अध्यादेशों का विरोध किया। इस मौके पर व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि कृषि जिंस बिक्री, स्टॉक सीमा में भंडारण को लेकर जारी 3 अध्यादेश देशों से किसान, कच्चे आड़तिये, दोला, हमाम व पल्लेदारों के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, राज्य सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिन अध्यादेश के मुताबिक यदि कोई मंडी एरिया के अंदर किसान कृषि जिंस लेकर आएगा तो उसके ऊपर कृषि टैक्स लगेगा। परंतु वही काश्तकार यदि अपने गांव के अंदर, अपने घर के अंदर फसल बेचता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। इसके विरोध में व्यापारियों ने 4 दिन के लिए मंडी बंद रखने का फैसला किया है ताकि गवर्नमेंट को चेताया जा सके और वो अपना काला कानून वापस ले। सेंट्रल सरकार के कानून बनने के बाद के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने इस कानून को अडॉप्ट कर लिया है। राजस्थान के अंदर ये कानून लागू कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है, परंतु राजस्थान सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है। राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है कि मंडियां बर्बाद हो जाएगी। यहां पर पीड़ बने हुए हैं, शेड बने हुए हैं, आबाद मंडियां जो है उसके अंदर धान के तोले पल्लेदार सारे बेरोजगार हो जाएंगे, मुनीम बेरोजगार हो जाएंगे, जो व्यापारी है वो खराब हो जाएंगे। और इसके इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को वापस लिया जाए या इसमें इस प्रकार का संशोधन किया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम, MSP से कम कोई भी माल न बिके। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया। हमारी मांगे सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। हमारे लिए प्रशासन होश में क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को जागरूक नागरिकों ने जिला कलेक्टर को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते क्षेत्र की जनता को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शहर की टूटी फूटी सड़कें, बढ़ी हुई दरों से आए बिजली के बिल, क्षेत्र में बढ़ते नशे के व्यापार, कोरोना के कारण बाजार में आई मंदी, टिड्डियों से हुए फसलों के नुकसान, नहरों की सफाई न होने से पिट रही किसानों की पानी की बारियां आदि कोड में खाज का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं होने से आमजन का विश्वास सरकार से उठ रहा है। ज्ञापन में बदहाल अवस्था में पड़ी क्षेत्र की मुख्य सड़कों का निर्माण करवाने, आमजन के गत 6 माह के बिजली के बिल माफ करवाने व बढ़ाई गई बिजली की दरें वापस लेने, क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि 30 अगस्त तक उक्त मांगों पर यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 1 अगस्त को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सुनील कस्वा, राय साहब चाहर, अमित अरोड़ा, प्रिंस चौहान, कार्तिक शर्मा, राहुल जाखड़, केवल काकड़, विनोद कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। नशे के व्यापारियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। नशे कारोबारियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। हनुमानगढ़ जिले के मेन 6 मुद्दों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, जिनमें हमारी मुख्य मांग जो है अपने सड़कों की हालत अपन किसी से भी छुपी हुई नहीं है। खस्ता हाल है, 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हो चुके हैं, कारों के डेली चैम्बर फूट रहे हैं, सवार लोग डेली गिर रहे हैं, चोटें पहुंच रही है। इस हालत में ये है कि जान माल का भी नुकसान हो सकता है। जल्द से जल्द रोडों का काम शुरू करवाया जाए, नहीं तो 1 तारीख के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। लाइट के बिल जो है
सरकार ने 3 महीने के बिजली बिल माफ करने के लिए बोला था, लेकिन 6 महीने के बड़े मोटे 5-6 गुना बिल जनता को थमा दिए गए हैं, जो कि जनता इस टाइम बिल भरने में बिल्कुल असमर्थ है। और इस कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, इसमें युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा झुक चुका है। नशे का जो गोरख धंधा है वो चरम सीमा पर है, और अपना हनुमानगढ़ जिला जो है वो हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ है, तो ये नशे का जो कारोबार है धड़ल्ले से चल रहा है। तो हमारी 6 मुख्य मांगे हैं, वो मांग पत्र हमने आपको फोटो दे दी है, उनको लेकर कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं। जल्द हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आंदोलन किया जाएगा, उसके लिए प्रशासन तैयार रहे। हम बहुत दिनों से ये 1-2 बार आगे भी इनको ज्ञापन दे चुके हैं, और अब जो नशा है ये चरम पर पहुंच चुका है। नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा हो रहा है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, और सड़कें भी टूटी हुई है, और किसान भी त्रस्त हैं, और आम नागरिक बिजली का बिल भी नहीं भर सकता। जिसको माफ़ करने के लिए कहा गया था वो तिगने चौगने करके उनके हाथों में थमा दिए गए हैं। अगर प्रशासन ये हमारी मांगे मानता है तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से हम आंदोलन करने जा रहे हैं। शिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों ने निजी शिक्षण संस्थान प्रबंधकों पर आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा कथित रूप से शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरोध में मंगलवार को शिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बीएड व इंटीग्रेटेड महाविद्यालय संचालित करने वाले कुछ लोगों द्वारा शिक्षक स्टाफ को मार्च से अब तक 6 माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञापन अनुसार पूरे प्रदेश में 478 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से लगभग 135 करोड़ व अकेले हनुमानगढ़ के महाविद्यालय द्वारा 7 करोड़ रूपए के रूप में वसूल किए जा चुके हैं, परंतु महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय तक का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोरोना संक्रमण के कारण महाविद्यालयों में अवकाश के चलते शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा, तो विद्यार्थियों से किस बात की फीस वसूली जा रही है। यदि प्रशिक्षणार्थियों से पूरी फीस ली जा सकती है तो शिक्षक वर्ग को भी पूरे सत्र के मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए। ज्ञापन में शिक्षकों का बकाया वेतन दिलवाने या प्रशिक्षणार्थियों को भी 6 माह की फीस माफ करवाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में शमशेर सिंह, महेंद्र सियाग, वीरेंद्र खीचड़, पंकज अग्रवाल, अर्जुन सोनी, मुकेश सिल्लू, गुरप्रीत सिंह, जगतार सिंह सहित अन्य शिक्षक शामिल थे। आज पिछले लॉकडाउन के दौरान मार्च के अंदर 20 मार्च के बाद में लॉकडाउन लागू हो गया था, जो महाविद्यालय है उन्होंने 20 तारीख के बाद में सभी विद्यालय में अवकाश कर दिया था, महाविद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया था, और पूर्ण भारत के अंदर लॉकडाउन कारण उस वक्त से लेकर आज 20 अगस्त हो गया, पूरे अगस्त के अंदर और ये 6 महीने हो गए, सभी महाविद्यालयों ने 27,000 रुपये फीस प्रति स्टूडेंट पर प्रशिक्षणार्थी की वो जमा करवा ली है। 2019-20 और 20 दोनों की फीस जमा करवा ली है, और जो शिक्षक हैं उनको कहीं भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया, और जो नए वर्ष की है वो भी जमा करवा ली गई है। इसलिए या तो प्रशिक्षकों की 6 महीने की फीस माफ की जाए, जो कि लगभग हनुमानगढ़ जिले की 7 करोड़ रुपए फीस बनती है, और पूरे 135 करोड़ रुपए फीस बनती है, ये लगभग इस जितने भी कॉलेज हैं उनकी 200 स्टूडेंट के हिसाब से यदि फीस लगाएं तो इतनी फीस 6 महीने की बनती है। या तो स्टूडेंट को वो फीस माफ की जाए, नहीं तो शिक्षकों को पूरा भुगतान दिया जाए। आज हम मैं और हमारे साथी कलेक्टर साहब से एक एप्लीकेशन लेके आए हैं, जो बीएड बी जो संस्थान हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो स्टूडेंट से फीस तो ले रहे हैं, लेकिन ना तो वो कोई क्लास लगा रहे हैं, ना वो टीचर्स को दे रहे हैं, तो फीस किस आधार पर मांग रहे हैं? कि कम से कम वो अपना आधार तो बताएं कि फीस जो ले रहे हैं वो किस आधार पर ले रहे हैं। कम से कम राजस्थान के अंदर 125 करोड़ के करीब फीस इन संस्थानों के अंदर इकट्ठी हो रही है, तो ये जो पैसा जो गवर्नमेंट का है या वो संस्थान जो ले रही है वो नजायज ले रही है। इस कोरोना महाकाल के अंदर बाजार में बिजनेस है नहीं, काम नहीं है, स्टूडेंट्स से फीस ले रही है, स्टूडेंट्स वैसे ही तंग हो रहे हैं, ना वैकेंसी निकल रही है, ना उनकी तैयारी हो पा रही है, और ऊपर से ये पैसे की मार कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से सरकार से निवेदन है कि इन संस्थानों को कोई गाइडलाइन दी जाए, या तो फीस माफ वापस की जाए स्टूडेंट्स की, या क्लासेस वगैरह महामारी में नहीं लगा पा रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा दी जाए, या टीचर्स को भी नहीं दे रहे हैं, तो ये किस आधार पर मांग रहे हैं? तो इसका समाधान करें, या तो फीस वगैरह बच्चों को वापस दी जाए। इस संबंध के अंदर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। चक 9 LLW की एक धानी में एक युवती की हत्या कर शव फंदे पर लटकाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंगलवार को मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया।
जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव रोडावली में एक युवती की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि हत्या से पहले आरोपियों ने युवती का घर से अपहरण किया, इसके बाद खेत में ले जाकर हत्या के बाद युवती का शव कमरे में छत पर लटका दिया। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया है। मंगलवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। प्रारंभिक जाँच में खारे को विवाद को लेकर हत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार मोहनलाल नायक पुत्र बीरू राम नायक निवासी ढाणी चक्र 9LLW ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि वह खेती कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सोमवार सुबह वह अपने घर से किसी कार्य के लिए श्री गंगानगर के कैरी गांव गया हुआ था। करीब 9 बजे उसे फोन पर सूचना मिली कि उसकी पुत्री माया घर से लापता हो गई है। इस पर परिवार के लोगों ने माया की इधर उधर तलाश शुरू की। वे तलाशते हुए ढाणी के पीछे करीब आधा बीघा दूर खेत में गए तो नरमे के पौधे टूटे हुए मिले। वहां से किसी को घसीट कर ले जाने के निशान थे। जब वे घसीटने के निशानों के आधार पर ढाणी के पीछे पशुओं के लिए बने कच्चे कमरे में पहुंचे तो माया का शव फंदे पर झूल रहा था। उन्होंने बताया कि पैर जमीन को छू रहे थे। उन्होंने माया को नीचे उतारा लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मोहनलाल ने अपनी ढाणी के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के खिलाफ इस संदर्भ में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जांच कर रहे DSP प्रशांत कौशिक ने बताया कि मृतक युवती का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है तथा मामले की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 364, 141 व SC/ST के तहत मामला दर्ज किया है। गांव है और उसके पास ढाणी है 9LLW। बाकी एक दिन पहले उन्होंने नशा दिया है, पूरे परिवार को नशा दिया है। दूसरे दिन उन्होंने कांड कराया, कांड कराकर और लड़की को वहां से घसीट के लेके आए। एक बीघा दूर कांड है, घसीट के लाकर उनकी जो है झूठी कहानी बनाकर और रस्सी डालकर उनको टांका है। ये पहले थे अपने रास्ते के झगड़े से, एक महीना हो गया झगड़ा चल रहा है। ये खुद कह रहे हैं कि इसकी ढाणी हम चुकाएंगे, इस जमीन पे कब्जा करेंगे। ये अकेला रहता है, हमारी तो 150 ढाणी है। ये इतना मामला है, पुलिस से हम यही मांग करते हैं कि जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सजा मिलनी चाहिए। जी मेरे मैं जी हाँ 5:30 बजे घर लेकर गया हूँ, क्यों मैं गंगानगर का ना गाँव रहा कैरी भटक गया हूँ। भटूँ बाद में मेरे को ना फोन आया 9:24 पर संदीप फोन करियो कि पापा सॉरी लटकन लाग रही अपने घर में और गेंज के ले आई है घिसट का पग पड़िया नरमे के माँ और नरमे की माँ हूँ गेंज के ले आ गया टाँग दी और वो संदीप उठ जो कई बंदे के पीछा लें घर को नहीं हो और घर का हरे हो रे पटन लाग गई को बलोना करने लाग गई ये करके खेत को खाले गो और रंजिश है ये पहले। बाकी एक दिन पहले आन नशा दियो है सॉरी धमकी दी ओड़ी है नशा दियो है सॉरी खाले भी रस्ते का। ये कल 9LLW पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एक महिला की मृत्यु की सूचना मिली थी, इस पर मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था। इसमें आज संवेदनशील मामला था, बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम की फाइंडिंग आने के बाद में मुकदमे में नियमानुसार विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। होने के बाद में अनुसंधान प्राथमिक अनुसंधान पूर्ण होने के बाद में कुछ कह पाएंगे, अभी जल्दीबाजी होगी। गांव रामपुरा मटोरिया की विधायिका की कथित रूप से दहेज के लिए हत्या करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने व थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। जिले के रावसर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा मटोरिया की विवाहिता की दहेज के लिए कथित रूप से हत्या करने के मामले में आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने व थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन करने वाले कार्यालय के गेट के समक्ष धरना देकर बैठ गए। उन्होंने मांग न माने जाने तक विवाहिता के शव का अंतिम संस्कार करवाने से मना कर दिया। पुलिस अधीक्षक की ओर से 24 घंटे में मामले की जांच करवा सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देने पर पीहर पक्ष के लोग माने और धरना समाप्त किया। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तभी तो आने कह दिया कि मेरे लंबी बहू को नहीं मेरे बिंची देवार कूटमार करा है। आज 2-3 महीना पहले आने कुटामारी करी, ई छोरी ने कुंड में गिर दी, बी छोरी ने मारी दी, बह के आके बिन देख दे पड़ गई। इवान गेरी तो जींस काट ली ने मेरे हाथ में साहब गाड़ी दे गए 11 बजे
पहुंचा तो बुरो हाल हो रो तो हाल हो रो तो मैं चोरिया चढ़ा लिया ना बन ने अच्छी माड़ी गई की एहर ने मारिया दिया दिया दो तीन महीना रही है लॉकडाउन लाग दियो लॉकडाउन लागने के बाद में बाबा ने फोन किया दे जावा बसा लिया अरे बसाओ को नहीं थे यार ये ना माने मजबूर करो गरीब आदमी हमारे नहीं देन लेने की है को नहीं कह नहीं अब मैंने की को नहीं कमानी अब जी लॉकडाउन में मैं गाड़ी ले गया इन ससुरो आयो एर एक डिलेवरो बताओ वो आप आयो कौन लेने एर बीचर ने ले गयो ले जाए बाद में अब तीन चार दिन हो गया मार्क ने फोन करे मैं करो यही है मैं भी पहुंच सकिया कौन नहीं ए मानने के सब इं मार दे थी मैं मार दूंगा मैं खत्म कर दूंगा मेरे कोई की कौन बिगाड़ नो कह मैं नगराने जाके बाड़ी आऊंगा थाने इतो हंकार में बटा वो अज भी कल पूरी थका मारे सागे लाग रहे साहब इं है तो माने इंसान मिलना चाहिए जी है गरीब नहीं छोरी है बहुत सुधी छोरी है गल में जाके कोई पूछ सके सॉरी कोई बस चलने में एक और बिल्कुल नहीं है मुर्दी मुर्दी छोरी है साहब वो 11 बजे में ससू के दोनों दिन अग लठा लग गए कुछ मैं मैंने तो बारह गल दी मेरा आदमी ने बारह गल दी यार माँ एक भी मर गए मेरे सासू ससुर मर गए मेरा माँ रोड गेर कंसल मोट गेर मर गए बिना फांसी की दिक्कत दी मैंने माँ गल दी कहते गया काम ना दी पर अग दी लड़की पड़ी मेरे बहन ने इंसाफ दिलाना है और चीज कौन सी है मैंने जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में निर्मित हो रहे नाले का निर्माण गलत दिशा में करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को वार्ड वासियों ने निर्माण स्थल पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में निर्मित हो रहे नाले का निर्माण गलत दिशा में करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को नागरिकों ने निर्माण स्थल पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। नागरिकों ने कहा कि नगर परिषद की ओर से नई खुंजा में हाउसिंग बोर्ड के बीच नाले का निर्माण करवाया जा रहा है लेकिन नाले का निर्माण प्रस्तावित स्थान पर न किया जाकर अन्यत्र किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। इस तरह नगर परिषद की निर्माण राशि का नुकसान कर हाउसिंग बोर्ड के वासियों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने उचित रास्ते से नाला निर्माण करवाने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने की मांग की है। संबंध में नागरिकों ने नगर परिषद अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सौरभ शर्मा, विजय सिंह चौहान, सतीश सिंह, राकेश कुमार, धनपत राय, उमेश जोशी, विपिन कुमार, राजकुमार, रामस्वरूप, शिषपाल सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। निकाला जा रहा था और उसका पहले प्रशासनिक और वित्तीय और नक्शे का लेआउट बना हुआ था वो खुंजा के अंदर से था। अब किन्हीं राजनीतिक कारणों से उसका रुख जो है हाउसिंग बोर्ड में मोड़ दिया गया है और वो पानी इतना अधिक है कि जो गलियों में से होके जाएगा तो वो मकानों के आगे इकट्ठा हो जाएगा, उससे सड़कें टूटेंगी, वह पब्लिक को परेशानी होगी। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, पब्लिक हमारे साथ। नाला निर्माण का कार्य चल रहा था, नगर परिषद के कर्मचारी टेक्निक कर्मचारियों ने आके नाला निर्माण देखा और वार्ड नंबर 5 से गंगना रोड की तरफ नाला जा रहा था। नाला कुछ दूर तक नाला निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में कुछ प्रशासनिक राजनीतिक कारणों से वो नाला उनको बंद करके उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की तरफ मोड़ दिया। हाउसिंग बोर्ड तरफ मोड़ने के बाद में उन्होंने 4x के छोटे मकानों में, जिसकी रोड की जो लंबाई है लगभग 30 फुट है, पहले जो निर्माण हो रहा था रोड की लंबाई 60 से 70 फुट थी, उन्होंने राजनीतिक कारणों से उसको बंद करवा के हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो चालू कर दिया। और वहाँ पाइपलाइन 5x में वाटर सप्लाई की पाइपलाइन थी, इन्होंने जेसीबी ने वो पाइपलाइन को तोड़ दिया, तोड़ के अलग कर दिया। फिर उसके बाद में जो अब नाला निर्माण ये कर रहे हैं उसमें 15 से 16 मोड़ है जो न्याय संगत नहीं है। एक साइड में क्या है कि नगर परिषद का इसमें पैसा भी बर्बाद होगा, प्लस क्या है कि काम बहुत ज्यादा चलेगा और उसकी डेप्थ भी ज्यादा है। इसलिए हमारा सबका विरोध है इस नाले के लिए। जो नाला जो 5 नंबर वार्ड से जो नाला गंगना रोड की तरफ जा रहा था वो न्याय उचित है, ये हम नहीं होने देंगे, गलत कार्य हम नहीं होने देंगे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है पर ये हंसी कुछ और है, ये गहना मुझ पर जचता है पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े? महामारी अभी फैली हुई है सरपंच जी। टहले नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क, काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क, मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है, आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला परिषद सीईओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को पंचायत समिति अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला परिषद सीईओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को पंचायत समिति अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला परिषद सीईओ ने अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। विकास अधिकारी ने बताया कि वीसी में ग्राम पंचायतों में वंचित जरूरतमंद परिवारों को शौचालयों की बकाया पड़ी राशि की स्वीकृति जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन परिवारों के लिए जगह उपलब्ध करवाने व स्वीकृति दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही बैठक में जिन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है उन ग्राम पंचायतों में जल्द ही मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों को शुरू करवाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्य कार्यकारी अध्यक्षता में आज इसी का आयोजन किया गया था। इसी के माध्यम से वंचित परिवारों को जो शौचालय है उनको पूर्ण करवा के उनकी राशि दिलवाने के साथ साथ में इसके साथ में प्रधानमंत्री आवास में कार्य कंप्लीट हो गया, उनकी UCCC देना। इसके अलावा आवास में जो भूमिहीन परिवार हैं उनकी भी स्वीकृतियाँ निकालनी है। आने वाले समय जब भी उनको जगह उपलब्ध होगी तो उनको फर्स्ट किस्त जारी की जाएगी। उसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए। इसके साथ साथ हमें नई पंचायतों को गठन होने के काम जिन पंचायतों में पट्टी जारी होगी जगह उपलब्ध होगी उन पंचायतों निकल चुके हैं। इन 4 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश प्राप्त हुए। इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य उनको पूर्ण करवाना है। जो भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की राशि प्राप्त हुई है उनका उनकी राशि की गाइडलाइन के अनुसार स्वीकृति जारी कर उन कार्य को भी शुरू करवाना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुरंत कार्य को शुरू कर पूर्ण करवाने और अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा गरीब कल्याण योजना जो चल रही है उसके कार्य चल रहे हैं। मनरेगा योजना इसी माह में पूर्ण करवाए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके। टाउन के प्रेम नगर निवासी एक व्यक्ति की बीमारी के कारण मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने टाउन थाना में परिवार देकर पति का संस्कार उसकी मौजूदगी में करवाने की मांग की है।
टाउन के प्रेम नगर निवासी एक बीमार व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक परवेश कुमार पुत्र चंदगीराम प्रेम नगर का रहने वाला था। पिछले कुछ दिनों से वह बीमार चल रहा था। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीती रात इलाज के दौरान परवेश कुमार की मौत हो गई। इस संदर्भ में मृतक के पिता की रिपोर्ट पर टाउन थाना में मर्ग दर्ज की गई है। वहीं मृतक की पत्नी लीलावती ने टाउन थाना में परिवाद देकर आरोप लगाया कि वह पिछले 2 साल से अपने पति से अलग रहती है। उसके 2 बच्चे हैं जो ससुराल वालों के पास ही रहते हैं। आज जब उसे अपने पति की मौत की सूचना मिली तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। इस पर लीलावती ने टाउन थाना में परिवार सौंप अपने पति का दाह संस्कार उसकी मौजूदगी में करवाने की मांग रखी। मेरे पति एक्सपायर हो गए रात, वो नशा करते थे बहुत ज्यादा, उसकी डेथ हो गई। बच्चे अंतिम संस्कार के लिए हमें बढ़ने नहीं देते, मारपीट कर रहे हैं। मेरे बच्चे चाहिए। मैं मेरी सिस्टर के साथ आया हुआ हूँ और मेरे सिस्टर का जो पति है एक्सपायर हो गया। उसको एक्सपायर होने के बाद में हमें पता लगा तो हम मेरी सिस्टर को लेके आए। उस टाइम उन्होंने हमें गाली गलौज किया, ना घर में घुसने दिया। वो कह रहे हैं आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, आप अपने घर चले जाओ। और जो अंतिम संस्कार है उस अंतिम संस्कार हमारे यहाँ होते हुए होना चाहिए। हमें जो भी इनकी संपत्ति है उनमें और इनके बच्चे हैं, जो दोनों बच्चे यहाँ दादा और दादी के पास रह रहे हैं, जो सिस्टर है उसको वो ये बोल रहे हैं कि आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से चले जाए। हम थाने में एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं कि हमें जो भी प्रॉपर्टी है उसमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे बच्चे हमारे पास हो, और जो भी हमें हमारी आंखों के सामने उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये एप्लीकेशन देने के लिए आए। दिनांक 25/8/2020 को थाने पर उपस्थित हो गए चंदगी राम स्वरूप माला राम जाति कुमार उम्र 67 साल निवासी वार्ड नंबर 40 प्रेम नगर ने अपने लड़का प्रवेश सुनौ चंदगी राम जाति कुमार उम्र 40 साल बीमार होने के कारण कल दिनांक 24/8/2020 को इलाज हेतु राजकीय सिंह हनुमानगढ़ टाउन में भर्ती करवाया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी चंदगी राम ने थाने मर्ग दर्ज कराई थी, जिसका मृतक प्रवेश कुमार का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम दाह संस्कार के लिए लाश उसके पिता चंदगी राम को सुपुर्द की गई। भीम आर्मी सदस्यों ने कोरोना के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। कोरोना महामारी ने प्रत्येक वर्ग पर अपना बुरा असर छोड़ा है। इसी क्रम में लोक कलाकार अपनी लोक कला का प्रदर्शन कर गुजर बसर करते थे, वे भी अब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इस संदर्भ में भीम आर्मी के सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि लोक कलाकार देश एवं प्रदेश की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। ऐसे कलाकार अपनी लोक कला का प्रदर्शन कर बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, परंतु अब कोरोना महामारी के चलते भीड़ इकट्ठे करने पर प्रतिबंध है। इसकी वजह से लोक कलाकार अपनी लोक कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से ऐसे कलाकारों को सहायता दिए जाने की मांग की गई है। लोक गायकारों के मुद्दे के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। जो लॉकडाउन लगने के बाद बेरोजगार हो गए हैं, वो अपना गुजर बसर करते थे, उनका घर चलता था, अपनी लोक कला का वो प्रदर्शन करते थे, जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अब लॉकडाउन के कारण उनके जो कला का प्रदर्शन वो नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, इस कारण उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। तो हम कलेक्टर साहब को कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, कह रहे हैं भी उनको सशर्त अपनी कला का प्रदर्शन करने की परमिशन दी जाए, और जो कलाकार है कलेक्टर साहब से सम्मानित हुए उनके आर्थिक सहायता दी जाए। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।